हेलो दोस्तों, आपका कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मुझे बनकर आज फिर से एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं और उन्हीं के साथ में मैं बनाऊंगा अपनी कार पे अल्टो कार पे रिवर्स कैसे करना होता है और रिवर्स में कैसे हमें गियर लगाना होता है, गियर लगा के हमें रिवर्स में कैसे बढ़ाना होता है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड गियर पर वो एक्सीलरेटर ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, आप सभी को भी पता होगा, अगर आपने कार चलाया होगा तो पता होगा, नहीं चलाया तो नहीं पता होगा, फर्स्ट और रिवर्स गियर में इतना पावर होता है कि आप क्लच छोड़ोगे और वो कार अपने आप मूव करेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि रिवर्स करते वक्त हमें एक्सीलरेटर लेना है या नहीं लेना है, और अगर हम क्लच छोड़ते हैं गियर लगा करके तो कितनी स्पीड में भाग सकती है, चढ़ाई पर लेना होगा एक्सीलरेटर या नहीं लेना होगा। मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो चलाएंगे, मैं आप सभी को बताऊंगा और मैं उनको भी साथ में बताऊंगा कि कैसे करना होगा। उससे पहले, अगर आप सब मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक ऐसी वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे हमें कार को रिवर्स करना होगा और हमें कैसे गियर लगाना होगा, कैसे स्पीड रिवर्स में बढ़ाना होता है। ठीक है, हेलो भैया, गुड इवनिंग। क्या नाम भैया जी आपका? अब्दुल्ला जी। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? विनीत खान से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं, गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो मेरे साथ में? 9th डे आज आपको ड्राइविंग सीखते हो, गुड। अभी आपको मैंने 9th डे में क्या क्या चीज़ें सिखा दी हैं? रिवर्स गियर आपको बचा है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी आपके घर पर कौन सी कार है? अभी कोई गाड़ी नहीं है, आप सीख रहे हो, सीखने के बाद आप गाड़ी ले लेंगे, है ना? ठीक है, तो आपको रिवर्स करना है। रिवर्स गियर मैंने आपको बताया कैसे लगता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, चलाने से पहले क्या करना होगा? सीट बेल्ट लगानी है, एडजस्ट कर लिया, सीट बेल्ट लगा लिया। ठीक है, आप इंजन स्टार्ट करो। ठीक है, गुड, स्टार्ट करो इंजन, गुड, हो गया। आप रिवर्स गियर लगा लो और हैंड ब्रेक हटा दो, गुड, लग गया। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, ठीक है ना? अब आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, आ जाइए पीछे, बस रोको, कोई बात नहीं, क्लच दबाइए पूरा, स्टार्ट करो इंजन, हल्का का क्लच छोड़ना है। ठीक है, चलो अब स्टीयरिंग हल्का सा क्लच छोड़ो और हल्का सा और पीछे आपको आना है, बस रोको, क्लच ब्रेक। ठीक है, अब स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट टर्न कर दो, पूरा टर्न कर दो बार, एक, अभी एक ही बार हुआ है, और ये दो बार हो गया। ठीक है, चलो अब छोड़ो भैया हल्के का क्लच, छोड़िए हल्का का क्लच भैया, छोड़िए हल्का का, जाने दो, और जाने, रोको रोको रोको, क्लच दबाओ, क्लच क्लच दबाओ, गुड, है ना? चलो अब फिर आ जाओ पीछे, धीरे धीरे आते जाओ, आपको मिरर में देखना भी है, जगह है पीछे या नहीं जगह है। ठीक है, जाने दो, बस रोको रोको, गुड। आप देख रहे हो ना, आपके राइट साइड में पिलर है पीछे, अब टायर को सीधा कर लो दो बार, एक बार और सीधा करो, अभी नहीं सीधा हुआ, और अब हो गया। अब आपको रिवर्स गियर में जाना, सीधे स्टे जाना। ठीक है, छोड़ो हल्के के क्लच, एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ क्लच छोड़ोगे आपकी कार चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे छोड़ोगे तभी चलेगी कार, अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो आपका इंजन बंद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं बढ़ा तो हो सकता है आपके टायर के नीचे, हाँ, अगर आपके टायर के नीचे मिट्टी है ना, तो वहाँ पे आपको हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, मिट्टी में आपका टायर बैठा हुआ ना, तो आपको हल्का सा एक्सीलेटर साथ में लेना पड़ेगा, और क्लच छोड़ते जाओ हल्का का, साथ में एक्सीलेटर लेते जाओ हल्का का, पीछे देखते जाना, दोनों राइट लेफ्ट दोनों मिरर में देखना, जाओ हल्का का, जाते रहो और जाओ, हल्का सा राइट टर्न करो और टर्न करो, जाइए और जाइए पीछे, बस खड़ी कर दो, पूरा क्लच जैसे ब्रेक। अब फिर से फर्स्ट गियर लगाऊं? ठीक है, फिर से आपको पिलर तक जाना है। ठीक है, और फिर से रिवर्स में लेके चले आना आपको अपने से, है ना, आराम से जाना और ब्रेक पे पैर रख लेना। ठीक है, बस पूरा क्लच दबाना, धीरे से ब्रेक लगा के खड़ी करना और फिर से रिवर्स गियर लगा लो धीरे से, और फिर से आपको रिवर्स में आ जाना है। गुड,
अब फिर से फर्स्ट गियर लगाना भैया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, हाँ फर्स्ट गियर लगाइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा राइट टर्न करना है, जहाँ पे मलबार का ढेर लगा ना, इस साइड जाना आपको, ठीक है। इस साइड आपको जाना है, फिर आपको रिवर्स में अपनी बाइक की साइड लेकर जाना है, जहाँ पे आपकी बाइक खड़ी है, ठीक है। चलो जाओ हल्के का जाओ, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं, जाते रहो। टर्न करो राइट, अभी नहीं जा पाएगी। फुल राइट टर्न करो, फुल टर्न करो, फुल टर्न किया, हल्का से जाओ, दो कदम आ गया, कोई बात नहीं, क्लच दबाओ, स्टार्ट करो इंजन, फुल टर्न करो राइट, मेरी साइड अभी फुल नहीं हुआ, हाफ फुल हो गया, बस सिर्फ दो कदम जाना है आपको, ठीक है, बस, ठीक है। अब पूरा राइट टर्न करो, लेफ्ट, सॉरी, हाँ लेफ्ट टर्न करो, पूरा चार बार स्टेयरिंग घूमेगा, दो बार सीधा होगा, दो बार टर्न होगा, ठीक है। अब रिवर्स गियर लगा दो, ठीक है, चलो जाओ, छोड़ो हल्का का क्लच, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, बस हो गया, और जाने दो, जाने दो, बस खड़ी करो पहले, ठीक है, हल्का सा और जाओ, हल्का सा पीछे और जाना है, फिर खड़ी करना है, और जाओ, बस खड़ी करो, अब सीधा करो टायर, दो बार सीधा करो इसको, एक दो हो गया, ठीक है। अब पीछे जाओ, दीवार तक जाना है आपको, लास्ट तक जाओ, जाओ जाओ, और जाओ, हाँ आराम से जाओ, कोई बात नहीं, क्लच दबाओ, स्टार्ट करो, हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया करो, आपकी कार आगे भाग रही है, बस स्टार्ट तो हो गई, जाओ और जाओ, ब्रेक लगा लिया करो हल्का सा, बस पूरा और जाओ, हल्का सा और जाओ, बहुत जगह अभी, बहुत जगह जाओ, हल्का सा और जाओ, बस करो, क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ। अब फर्स्ट के लगा के आपको स्टीयरिंग राइट टर्न करना है, ठीक है, पूरा राइट टर्न कर दो स्टीयरिंग, और पीछे का हिस्सा देखना कि उसमें जिप्सी में टकराए ना, चलो आ जाओ, टकराए ना, कहा नहीं, आ जाओ, बस सीधा करो टायर, गुड। अब फिर से रिवर्स गियर लगा लो, स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट टर्न कर दो, पूरा टर्न कर दो, पूरा टर्न करो पूरा, बस खड़ी करो, फिर से फर्स्ट गियर लगा लो। अब आपको फर्स्ट गियर लगाया, पूरा स्टीयरिंग राइट टर्न करो, पहले सीधा जाना दीवार तक, फिर दीवार से फिर बैक करके लेके आना है इस साइड, ठीक है, मेरी साइड, चलो बस टायर सीधा करो, खड़ी करो, गुड। अब फिर से रिवर्स गियर लगाओ, खड़ी करो, पहले पहले खड़ी करो, अभी आपने स्टीयरिंग टर्न नहीं किया, लेफ्ट टर्न करोगे तभी तो घूमेगी, पूरा लेफ्ट टर्न करो, सॉरी राइट टर्न करो, लेफ्ट, मेरी साइड टर्न करो, आपको राइट निकलना तो लेफ्ट टर्न करना बस, स्टीयरिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड, चलो जाने दो, आ जाओ, बस बस अब फर्स्ट गियर लगाओ, लगाया ना, स्टीयरिंग वापस सीधा तो करो, आपका टायर घुमा हुआ ना भैया, और घुमाओ, और घुमाओ, और घुमाया, घुमाया, चलो निकलो बाहर, पेंट के बगैर से निकलो, चलो बढ़ाओ, और राइट टर्न करो हल्का सा, चलो जाओ और टर्न करो, बस अब आपको लेफ्ट चलना है, चलो वापस सीधा करो मेरी साइड, छोटो क्लच, स्टार्ट करो इंजन, क्लच दबा करके, चलो लेफ्ट टर्न करो वापस स्टीयरिंग, चलो छोड़ो हल्का का क्लच भैया, सीधा करो दौड़ के आराम से राइट में देखते हुए, चलो बढ़ाओ हल्का का स्पीड, जाते हो सीधे स्ट्रेट, अगर सीधे छोड़ो क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो, ठीक है।
आया रिवर्स, छोड़े हुए क्लच कट, बहुत बढ़िया।